राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की बुरी तरह हार के बाद अब अंदरूनी सियासत गर्मा गई है। असंतुष्ट नेताओं का धड़ा एक बार फिर सक्रिय होकर पार्टी में बदलाव की मांग उठाने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान किसी युवा नेता को सौंपने की मांग उठने लगी है। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता और लेखक संजय झा के अलावा अजमेर लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार रहे रिजू झुंझुनूवाला ने सचिन पायलट को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के G23 के नेताओं ने भी बैठक कर कमान युवा हाथों में सौंपने की मांग उठाई है। संजय झा ने लिखा, अब वक्त आ गया है कि पायलट को कांग्रेस का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। पायलट मेहनती 24 घंटे काम करने वाले जीत के लिए लालायत और अच्छे वक्ता है। संजय झा ने 5 राज्यों में कांग्रेस की बुरी तरह हार के बाद संगठन के स्तर पर बड़े पैमाने पर बदलाव करने की मांग की है। झा को जवाब देते हुए उद्योगपति रिजू झुंझुनूवाला ने ट्वीट किया, 2019 में अजमेर लोकसभा से उम्मीदवार के तौर पर मैं पूरे दिल से आपके सुझाव का समर्थन करता हूं। मैं लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पायलट सक्षम है। सवाल ये है कि क्या इसके लिए तैयार होंगे। अगर हाँ करते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। 5 राज्यों की हार के बाद सोशल मीडिया पर कई पायलट समर्थक सक्रिय हो गए हैं। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने भी 5 राज्यों की हार के बाद कांग्रेस के पुराने नेताओं पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई है। कई और समर्थकों ने भी सचिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने की मांग उठाई है। इससे पहले कई नेता और लेखक भी पायलट को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देने का सुझाव दे चुके हैं। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।